हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में हमारे पास एरे होता है, वेक्टर होता है, बट इन सी इन पाइथन हमारे पास लिस्ट होता है, टपल होता है। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। हम एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं। और टपल क्या है? इम्यूटेबल, उसमें हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो वो एरर है। तो बेसिकली हम उसमें कुछ अपेंड नहीं कर सकते हैं टपल में। ठीक है, तो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिए और उसके बाद ये फंक्शन का डेफिनेशन है फिबोनाची नंबर। यूजर जो एन का वैल्यू इनपुट करेगा वो रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है। उससे नीचे हम एम नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं, उसमें यूज़र से इनपुट लिए हैं, उसके बाद ये फंक्शन कॉल किया है फिबोनाची। फिबोनाची क्या होता है? वैसा टर्म वैसा सीरीज जिसमें कि एक टर्म पिछले दो टर्म का समेशन होता है। ठीक है, अगर उसको लिखें फिब ऑफ एन, तो फिब ऑफ एन कैसे आता है? जब हम फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू को करते हैं सम, तो इससे हमारा फिब ऑफ थ्री अगर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो फिब ऑफ थ्री आता है फिब ऑफ टू प्लस फिब ऑफ वन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लिए, उसका जो फंक्शन को कॉल किए, इस फंक्शन के बॉडी में गए, हमको एक लूप चलाना है इसे लेके एन तक, जीरो से लेके एन तक। तो इसमें जो एन का वैल्यू होता है ना वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है, ये रेंज का फंक्शनैलिटी है। तो सी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ए प्लस बी हम स्टोर किए, दैट इज वन, उसको फिर हम लिस्ट में अपेंड कर दिए। अपेंड करना मतलब इंसर्ट करना लास्ट में। ठीक है, उसके बाद ए का वैल्यू को अपडेट करके बी के इक्वल कर दिया और बी में असाइन क्या कर दिया? सी का वैल्यू। उसका ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद इस लूप के बाहर हम आए, उसके बाद जो भी हमारे लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है हम लास्टली उसको सिंपली प्रिंट कर दिए। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। 10 बिल्कुल सही है हमारा फिबोनाची सीरीज, लिस्ट है, लिस्ट का ये लिस्ट ऐसे ही दिखता है हमारे पाइथन का। कुछ और इनपुट लेते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम हमारा जनरलाइज्ड है, एन के वैल्यू पे हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा। अगर हम एन का वैल्यू ले लेंगे 20, तो देखिए हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये 2 कैसे आया? जब हम 1 + 1 किए तो 2 आया। तो ये जो टर्म है ये पिछले दो टर्म का सम है। जैसे 3 कैसे आया? जब हम पिछले दो टर्म का सम किए। ठीक है ना, तो फिर वे नाइकी सीरीज पाइथन में ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लिस्ट यूज नहीं भी करें ना तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम जहाँ पे अपेंड कर रहे हैं वहाँ पे हम सिंपली बस प्रिंट कर सकते हैं सी को। ठीक है, और उसके बाद इंड असाइन स्पेस, स्पेस बेसिस पे हम इंटर द वैल्यू ऑफ एन, 5 है ना। ओके, प्रिंट लिस्ट नहीं, हमको लिस्ट प्रिंट ही नहीं करना है क्योंकि हम लिस्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इंटर द एन फिबोनाची नंबर 10 के लिए किया तो क्या आउटपुट आया? ओके, आउटपुट नहीं आया हमारा। प्रिंट किए हम सी की वैल्यू को। ठीक है, फिर से ये लूप चला के देखते हैं। और कोड तो हमारा सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये टर्म कैसे है? पिछले दो टर्म का सम 1 + 1। तो आज की इस वीडियो में इतना है।